हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए आज हम आपको अर्टिकेरिया के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं। तो अर्टिकेरिया क्या होता है, इसका लक्षण क्या होता है, इसका कारण क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपको आसानी से मिल जाए करे, और दूसरे तक लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिएगा। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्टिकेरिया। व्हाट इज अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया क्या होती है। अर्टिकेरिया को आप शीत पित्ती भी कहते हैं, यानी इसको हिंदी में शीत पित्ती भी कहते हैं या पित्ती भी कहते हैं, उसके साथ साथ हिप्स भी कहते हैं। तो इसके ये अलग अलग नाम होते हैं। तो ये लाल रंग के चकत्ते होते हैं, यानी शरीर पर आप देखेंगे, ये देखिए वीडियो में लगा दे रहा हूं, देखिए इस तरह के जो है चकत्ते उभरे हुए होते हैं, जो एलर्जिकल पदार्थ से होते हैं, यानी कि वह पदार्थ जो सूट ना करे आपको, उसके संपर्क में अगर आप आ जाते हैं तो उसकी वजह से ये सब चीजें हो जाया करती हैं। गौरतलब है कि कुछ ऐसे एलर्जिक पदार्थ हैं जो शरीर के संपर्क में आने से एलर्जी उत्पन्न कर देते हैं, तो ये संक्रामक नहीं होते हैं। साथियों, जैसे संक्रामक बीमारियां होती हैं, एक दूसरे से दूसरे तक फैलती हैं, तो ये एक दूसरे से दूसरे तक फैलने वाली बीमारियां नहीं होती हैं, यानी कि ये बीमारी एक दूसरे से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है। तो इसके प्रकार भी जान लेते हैं, यानी ये कितने प्रकार की होती है। तो ये दो प्रकार की होती है, यह एक होती है एक्यूट अर्टिकेरिया और दूसरा होता है क्रॉनिक अर्टिकेरिया। इसके लक्षण भी जान लीजिए कि इसके लक्षण क्या होते हैं। तो इसका जो लक्षण होता है, मेन होता है शरीर पर चकत्ते उभर आते हैं। चकत्ते होते हैं यानी कि ये समूह में होते हैं। समूह जो कहते हैं कि ये हाथ पैर या उंगलियों पर या तलवे पर या पीठ पर पेट पर कहीं भी हो सकते हैं, यानी कि जो इस तरह के चकत्ते होते हैं सामान्यतः उभरते हैं और एक आध घंटे, दो घंटे या फिर कहें तो 24 घंटे तक कभी कभी रहते हैं, फिर वो शांत हो जाते हैं, यानी कि कम हो जाते हैं। दाग जो है कि साथियों सामान्य रूप से 24 घंटे तक कभी कभी रह जाती है, और कभी कभी एक चकत्ता होगा फिर दूर दूर तक होता है। कभी कभी होता है कि दो सब चकत्ते लगे हुए होते हैं, यानी कि एक तरह से पूरे शरीर पे या फिर कहें तो कहीं भी जहां भी होगा पूरा एक तरह से हो जाता है। तो एक यानी कहें तो घने चकत्ते होते हैं, यानी एक दूसरे से सटे हुए भी हो सकते हैं। कहते हैं कि कुछ मामलों में जो पित्ती का दाग होता है ये दिन भर लगातार रहता है, दिन में लगातार रहता है। कुछ लोगों को जैसे रात्रि में शांत हो जाता है, और जब कुछ खा लेते हैं यानी जो एलर्जिकल पदार्थ है अगर वो खा लेते हैं तो उसकी वजह से उनको दिक्कत शुरू हो जाती है। साथियों, जो पित्ती का दाग है अक्सर अलग अलग होते हैं, लेकिन कभी कभी एक जैसे भी होते हैं, यानी एक लगे हुए होते हैं, सटे हुए होते हैं। इसमें जो है कि सूजन या विल्स जो उभार होते हैं ये पूरा दिखाई पड़ता है, यानी पूरा उभरा हुआ दिखाई देता है कि ये कुछ स्वेलिंग टाइप सी चमड़ी पर स्वेलिंग टाइप सी हो जाती है। कभी कभी अंडा आकार होता है, कभी कभी गोल होता है, कभी कभी लंबे लंबे होते हैं, तो इस तरह के हो जाते हैं। तो इसको आप हिप्स कहते हैं, या फिर कहें तो अर्टिकेरिया कहते हैं, या पित्त कहते हैं, या फिर शीत पित्त के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों, ये हो गया इसके लक्षण। तो कारण भी जान लीजिए, इसके कारण क्या होते हैं। तो साथियों, जो कारण होते हैं इसका मुख्य रूप से पित्ती जो होता है कि ज्यादातर मामलों में इसका कारणों का पता नहीं चल पाता है। अगर आप जांच कराएंगे, इसकी एलर्जी की जांच होती है, अगर आप जांच कराएंगे तो इतने ज्यादा चीजों से एलर्जी आपको बता देगा कि आप परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि अगर इतनी चीज मैं बनाऊंगा तो खाऊंगा क्या। तो साथियों, पित्ती जो होती है ये किसी एलर्जिकल रिएक्शन की वजह से होती है, यानी कोई चीज आप खाते हैं जो आपको सूट नहीं करता है, या फिर जो आपको एलर्जी काज करता है उसकी वजह से ये दिक्कत होती है, या फिर किसी कीट या मधुमक्खी के काटने की वजह से भी हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें जो छूना जिसके आप संपर्क में आते हैं तो भी एलर्जी हो जाती है, जैसे लेटेक्स वगैरह। साथियों, त्वचा पर कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कोई आप तेल लगाते हैं उसके वजह से भी हो जाती है। कभी कभी कोई केमिकल आप यूज करते हैं खाने पीने में, चाहे आप कोई चीज लगाते हैं, शैम्पू करते हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। त्वचा पर खरोंच से भी हो जाता है, जैसे कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे खुजलाते हैं तो भी ऐसे उस पर लंबा लंबा सा एक लाइन खींच जाता है, वो भी अर्टिकेरिया ही होता है। तो साथियों, इस तरह का खरोंच या खुरचना भी अर्टिकेरिया में ही आता है। साथियों, त्वचा जो होती है कभी कभी धूप के संपर्क में आने से भी होती है, कभी कभी गर्मी से भी होती है, कभी कभी ज्यादा ठंडी के संपर्क में आने से होता है,
कहा जाता है कि ज्यादातर कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कुछ लोगों को ज्यादा तनाव रहने पर भी ऐसी दिक्कत आती है। तो साथियों कभी कभी सूरज की रोशनी से ठंडा तापमान हो गया तो भी खाद्य पदार्थ फल विशेष रूप से कहें तो खट्टे फल, साथियों जो खट्टे फल होते हैं खट्टे फल की वजह से विशेष तौर पर देखा जाता है। कभी कभी कुछ लोगों के दूध की वजह से, अंडे की वजह से, मांस की वजह से ऐसा भी देखा जाता है। घर में अगर डॉग है यानी कि कुत्ता है उसके संपर्क में आने से भी ऐसी दिक्कतें आती हैं, या कुछ लोग बिल्ली पोसते हैं बिल्ली के भी संपर्क में आने से ऐसी दिक्कतें होती हैं। कुछ लोगों को फूलों की वजह से होता है, फूलों के जो परागकण निकलते हैं वो भी आपको एलर्जिकल काज करते हैं। साथियों कभी कभी किसी किसी को अंदरूनी समस्या भी होती है उसकी वजह से भी एलर्जी होती है, तो इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है आपको। तो साथियों ये हो गई अर्टिकेरिया, अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। साथियों अर्टिकेरिया जो है स्किन डिजीज या चर्म रोग में आती है जिसे अर्टिकेरिया कहते हैं। ये देखिए स्किन पर इस तरह के चकत्ते पड़े होते हैं। साथियों इसकी मेडिसिन है, सबसे पहली मेडिसिन इसमें है अर्टिकेरिया के लिए, पित्ती उछलने में मुख्य औषधि जलन व तेज खुजली हो या डंक मारने का आभास हो तो एपिस्मेल मेडिसिन आती है। इसको 30 पावर में यानी 30 CH में 4 बूंद सुबह में, 4 बूंद दोपहर में और 4 बूंद शाम को, तीनों टाइम यूज करना होगा। साथियों यदि एपिस्मेल से फायदा न हो तो अर्टिका यूरेंस क्यू इसको 4 बार लेना होगा आपको। 10-10 बूंद यानी 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर, 10 बूंद शाम को 4 बार यूज करें तो बेहतर होगा। अगर चकत्तों में जलन एवं खुजली हो, बेचैनी हो, थोड़े थोड़े पानी पीने की इच्छा हो तो आर्सेनिकम एल्बम लेना चाहिए। इसमें 30 पावर में लेना है और सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम यूज करना होता है। त्वचा लाल व सूज जाए, चकत्तों में जलन व खुजली, ठंड से रोग बढ़े तो आपको रस्टाक्स लेना है। आप सिम्टम के आधार पर दवा अपनी चूज कर सकते हैं। अगर शराब पीने के कारण पीती हो तो नक्स भूमिका लेना चाहिए। पुराने रोग में जब उपरोक्त दवाओं से फायदा न हो तो आपको एस्टेकस फ्लेवस 30 पावर में आपको दिन में 3 बार लेना है, यानी इसको भी आपको 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर और 4 बूंद शाम को, तीनों टाइम लेंगे तो बेहतर रिस्पांस मिलेगा। जब रोग पुराना हो और चकत्तों में खुजली रात को बिस्तर की गर्मी से बढ़ती है तो आपको सल्फर 30 पावर में दिन में 2 बार लेना है, यानी कि 1 से 2 सप्ताह तक आप लेंगे 30 में यानी 30 पावर में 2 बार, फिर उसके बाद 200 पावर में लेंगे तो आप सप्ताह में 1 बार लीजिए, यानी 200 पावर की सप्ताह में 1 बार लीजिए। गरिष्ठ या अधिक चिकनाई युक्त भोजन करने के कारण पित्ती अगर होती है या प्यास कम, खुजली ठंडी हवा में अलग लगे तो आपको पल्सेटिला यूज करना होगा, यानी उस टाइम आपको पल्सेटिला मेडिसिन आती है, इसको आपको 30 पावर में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम यूज करना होगा। अगर भीग जाने से या ठंड से पित्ती हो जाए तो आपको डलका मारा लेना होगा। साथियों बाह्य प्रयोग के लिए अर्टिका यूरेंस क्यूब, यानी ऊपर मैंने आपको बताया अर्टिका यूरेंस क्यूब भी लेते हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं इसको 1/2 कप यानी थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें आपको 10 से 20 मिनट टपका लेना है और उस पर लगाना है, यानी अर्टिकेरिया जहाँ पे हो गई है, सूजन हो गई है वहाँ पे लगाना है। और लास्ट में जाते जाते मैं बता दूँ इन दवाओं में से आपसे सिम्टम के आधार पे अपनी दवा सेलेक्ट कर लीजिए, उसको आप लीजिए। और उसके साथ साथ P3 एलर्जी ड्राप, साथियों ये देखिए ये है P3 एलर्जी ड्राप। P3 एलर्जी ड्राप को आपको 20 बूंद सुबह में, 20 बूंद दोपहर में और 20 बूंद शाम को, तीनों टाइम यूज करना है। जब आपको रिलैक्स मिल जाए, आपको लगे कि अब आराम हो गया है, तो आप पहले उसको सुबह शाम करिएगा यानी कुछ दिन तक, 15-20 दिन, 1 महीने तक, फिर उसके बाद आप एक टाइम खाइएगा यानी कि 20 बूंद केवल 1 बार सुबह सुबह ले लिया करिएगा। कुछ दिन तक ऐसी प्रक्रिया करेंगे आपकी एलर्जी ठीक हो जाएगी। तो साथियों इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, लेकिन जाते जाते लाइक शेयर ज़रूर करते जाइएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो साथियों धन्यवाद, बाय बाय।